गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमारा चैप्टर वन है, ठीक है। सो पहले मैं डिस्कस करूँगी व्हाट इज अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बाय व्हिच इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर, ठीक है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस बिजनेस बाय व्हिच इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, ठीक है। ये रहा, इट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। बट अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक वे से हम करेंगे। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ फर्स्ट प्रोसेस इज योर आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन। सेकेंड प्रोसेस इज योर मेजरिंग। देन थर्ड स्टेप इज योर रिकॉर्डिंग। देन क्लासिफाइंग। नेक्स्ट वन इज योर समराइजिंग। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एंड लास्ट वन इज योर कम्युनिकेशन, ठीक है। सो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। पहले हम अकाउंटिंग जो करेंगे, फर्स्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज टू बी आइडेंटिफाइड। बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम बिजनेस कर रहे हैं। सो बिजनेस की जो ट्रांजैक्शन से हम बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। देन उस ट्रांजैक्शन को हम मॉनेटरी टर्म में मेजर करेंगे, बिकॉज इन अकाउंटिंग दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हिच आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिस ट्रांजैक्शन मनी के टर्म में मेजर हो पाएगा उसी ट्रांजैक्शन को हम कंसिडर करेंगे इन अकाउंटिंग। ये रहा तुम्हारा सेकेंड स्टेप, मेजरिंग द ट्रांजैक्शन इन मॉनिटरी टर्म। थर्ड स्टेप हो गया रिकॉर्डिंग स्टेज। तो इस स्टेज में रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शन इन जर्नल बुक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डे बुक, ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल बुक। देन आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इट इज क्लासिफाइड। इन दिस स्टेज सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे एक लेजर अकाउंट में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग। सो आफ्टर जर्नल रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल बुक इट इज पोस्टेड इन योर लेजर अकाउंट्स। देन प्रिपेयर ए समरी ऑफ लेजर अकाउंट, मतलब एवरी डेबिट इज इक्वल टू एवरी क्रेडिट, इक्वल हो रहा है या नहीं ये हम चेक करेंगे इन समराइजिंग स्टेज। नेक्स्ट स्टेज इज योर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आफ्टर
समराइजिंग द ट्रांजैक्शन, देन हम प्रिपेयर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा, जो कि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करेंगे टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस एंड नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस. एंड लास्ट वन इज योर कम्युनिकेशन, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस अकाउंटिंग प्रोसेस, क्योंकि एट लास्ट स्टेज जो भी फाइंड आउट हम करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो कंपनी है और हमारा जो बिजनेस है, ये बिजनेस में इन्वेस्टर्स और यूजर्स दे इन्वेस्ट कैपिटल इन आवर बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इनका राइट से ये जानने के लिए कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट क्या है, बिजनेस की एसेट पोजीशन, लायबिलिटी पोजीशन क्या है, कैपिटल पोजीशन क्या है, ये सब जानने के लिए हम उन्हें कम्युनिकेट करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को. ओके, सो इट इज़ टोटल अबाउट योर अकाउंटिंग प्रोसेस. ठीक है, देखो अभी हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं, मेन पर्पज क्या है, सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द पर्पज, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं. टू नो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ बिजनेस. To know the financial position of business, then yes, to providing accounting information to the users. To providing accounting information to the users. ठीक है, और क्या ऑब्जेक्टिव से, हाँ, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग का पर्पज है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है बिजनेस की. टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, एसेट लाइबिलिटी एंड कैपिटल पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करने के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं. देन मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन. मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हो रहा है, सभी ट्रांजैक्शन को हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे. ये रहा मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज योर, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. देखो बार बार ये बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम यूजर को प्रोवाइड करना है. सो हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. देखो अकाउंटिंग यूजर्स आर बेसिकली टू टाइप की है. एक तो है हमारा इंटरनल यूजर, एक है हमारा एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर, मैनेजमेंट, ओनर, दे आर द इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग. देन हु आर द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज,
investors, creditor, trade union. So these are the external users of accounting. They all need accounting information. ठीक है, so ये रहा हमारा objectives and users of accounting. Okay.